तो दोस्तों अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जिस प्रकार के फोटो या फिर वीडियो को देख रहे हो, आपने दोस्तों इस प्रकार का वीडियो अक्सर फेसबुक के स्टोरी पर या फिर इंस्टाग्राम के स्टोरी पर देखे होंगे। पर यूट्यूब में दोस्तों आपको कई सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहां पर दोस्तों आपको स्टोरी फीचर्स का यूज करके ही कुछ इस प्रकार का स्टोरी वो एडिट करना सिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि तुम्हारा भाई जो है काइन मास्टर का भक्त है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार का फोटो या फिर स्टोरी आप मान सकते हो मैं आपको काइन मास्टर से ही एडिट करके दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसी प्रकार का जो स्टोरी यहाँ पर एडिट किया है, और इसको दोस्तों एडिट करने के लिए कुछ इस प्रकार के इतने सारे आपको पापड़ बेलने होंगे, तब जो है आप कुछ इस प्रकार का आप स्टेटस आप बना सकते हो। तो गाइस वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में दोस्तों आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे और वीडियो को आप लाइक करना भूल जाओगे। और चैनल पर अगर आप नए हो और आपको इसी तरह के स्टोरी या फिर स्टेटस के रिलेटेड वीडियो देखना है, तो आपको नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पर ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं मैं अपने काइन मास्टर को ओपन करके रखा हूं। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको इस वाले न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहां पर दोस्तों आपको 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें सिलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से गाइस आपका जो फ़ोन का गैलरी है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अभी दोस्तों आपको लेफ्ट साइड के कोने में यहाँ पर इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइस आप किसी भी एक बैकग्राउंड को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पर व्हाइट कलर के एक बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर के एक बैकग्राउंड को सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों ये जो बैकग्राउंड है इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको हमें 20 सेकंड के लिए करना होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप स्टोरी या फिर फोटो एडिट करते हो इस तरह का आपको 20 सेकंड के लिए रहता है, तो आपको 20 सेकंड के लिए दोस्तों इसका ड्यूरेशन को बना लेना होगा। बढ़ा लेने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। अभी आपका जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है इसको दोस्तों आपको चेंज करना है, तो गाइस बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर कोना पे आपको ये व्हाइट दिख रहा है, आप दोस्तों जिस भी बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट किए होंगे उस वाले कलर को दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, तो गाइस आपको इसको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार के दोस्तों आपके सामने कलर ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन ये जो बाहर का सर्कल है दोस्तों आपको इस जगह पे ले आना होगा, और ये बीच वाला जो सर्कल है दोस्तों उसको आप पकड़ के कुछ इस तरह से आप इस जगह पे ले आइएगा, कुछ इस तरह से इस जगह पे लाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर देनी है। देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा बैकग्राउंड है यहाँ पर चेंज हो चुका है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे इस वाले लेयर में क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं आपको गाइस यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। अभी आपको चौथे नंबर पे यहाँ पर एक टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको पहले नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा। देन गाइस सबसे जो फर्स्ट वाला जो लाइन है आप इतना बड़ा आप रखिएगा, रख लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में आना होगा। देन गाइस इसका अभी लाइन जो है इससे थोड़ा आपको बड़ा करना है, इस तरह से गाइस आपको सीढ़ीनुमा लाइन आपको यहाँ पे बना लेना होगा। तो मैं गाइस ये जो काम यहाँ पे तुरंत से कर लेता हूँ। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सीढ़ीनुमा लाइन बना लिया है। अभी दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। ओके कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इसको कोना में टेढ़ा कीजिएगा। देन गाइस इस वाले एरो में पकड़ के आपको कुछ इस प्रकार से बड़ा करना होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको इस जगह पे इसको आपको एडजस्ट कर देना है। अब मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इतना बड़ा कीजिएगा, और इस जगह पर दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से आपको एडजस्ट कर देनी होगी। एडजस्ट कर देने के बाद दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ पर वीडियो के एंड तक करना है, यानी बैकग्राउंड जितना बड़ा है उसको भी दोस्तों उतना ही बड़ा आप कर दीजिएगा। कर देने के बाद आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपका लेफ्ट साइड में आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, देख सकते हैं। आपको इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके इसको फ्रेंड्स डुप्लीकेट में क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से गाइस एक डुप्लीकेट आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों उस वाले डुप्लीकेट को कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर पहले इस वाले कोना में अभी टेढ़ा कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से। देन गाइस इसको आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करनी होगी, देख सकते हैं। आप मैंने जिस प्रकार से किया है सेम टू सेम कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद दोस्तों फिर से आपको लेयर में क्लिक करना है। अभी दोस्तों फिर से आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन गाइस अभी आपको स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक बार स्पेस देना है, फिर से आपको स्टार सेलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको एक बार स्पेस देना है, देन स्टार को आपको सिलेक्शन करते हुए चले जाना है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक लंबा सा आप लाइन बना लीजिएगा स्टार वाला। तो मैं गाइस ये जो काम यहाँ पर झट से कर लेता हूँ।
जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने अपने सारे स्टार का ड्यूरेशन यहां पे वीडियो के एंड तक कर दिया है। अभी दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है उसमें दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड में आपको ये 3 डॉट दिखेंगे। आपको इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट एज लेयर में क्लिक कर लेना होगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक इसका डुप्लीकेट आ गया है। अब उस वाले डुप्लीकेट को दोस्तों आपको यहाँ पे कलर जो है ब्लैक करना होगा। उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, देन कुछ इस प्रकार से कोना में खींच के आप ले आइएगा ब्लैक में, और आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। देख सकते हैं दोस्तों जो बैकग्राउंड यहाँ पर मेरा ब्लैक कलर का हो गया है। अभी दोस्तों इसको आपको स्क्वायर में बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर में। उसके लिए दोस्तों आपको कॉर्पिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और कुछ इस प्रकार से नीचे से उठाकर आप इतना परफेक्ट स्क्वायर आप बना लीजिएगा। देन आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। अभी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से गाइस आपको हल्का सा आपको बड़ा करना है। इस जगह पे दोस्तों आपको इसको लाना होगा कुछ इस प्रकार से, इतना बड़ा करके। लाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस वाले लेयर में क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके। दोस्तों अभी गाइस आप जो अपनी फोटो आप वहाँ पर लगाना चाहते हो उस वाली फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करनी होगी। तो साथियों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अभी दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको आपको छोटा करना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से एडजस्ट किया हूँ, आप भी दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। पहले आप इस प्रकार से इसको छोटा कीजिएगा, देन ये जो ब्लैक है दोस्तों, मतलब ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसके ऊपर दोस्तों कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करनी होगी। और इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों आपको यहाँ पे बढ़ा के आपको वीडियो के एंड तक कर देनी होगी कुछ इस प्रकार से। कर देने के बाद दोस्तों मेरा यहाँ जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो मैं इसको पहले कुछ इस प्रकार से पहले बड़ा करता हूँ। बड़ा कर लेने के बाद इसको मैं क्रॉप कर दूंगा। तो आप भी दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान से देखिए, और आपको इस चीज़ को ध्यान से अच्छे से आपको क्रॉप कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से, ताकि गाइस आपका जो फोटो है उसके ऊपर शेडो टाइप का लगे ये वाला चीज़। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छे से आपको पकड़ के खींच के आपको कर लेनी है। कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहां से ओके कर लेना होगा। अभी दोस्तों आपको इस साइड में हैप्पी लिखना होगा, उस साइड में बर्थडे लिखना होगा। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पे हैप्पी आप लिख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। देन गाइस आपको यहाँ पर इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जो टेक्स्ट है आपको नीचे में आपको ले आना होगा कुछ इसी प्रकार से। दोस्तों आप यहाँ पर हैप्पी को आप नीचे में ले आइएगा। लाने के बाद दोस्तों आपको यहां से ओके कर लेनी है। अभी आपको इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से बड़ा करना होगा, और इस साइड में दोस्तों आपको यहां पे एडजस्ट करनी है। देन आपको इस टेक्स्ट का अगर फॉन्ट को पसंद चेंज करना है तो आपको इस वाले ए में क्लिक करना है, और यहां पर दोस्तों आपको जो भी फॉन्ट पसंद है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन गाइस आपको यहाँ पर इस वाले कलर में क्लिक करके आपको इसका जो टेक्स्ट का कलर है आप जो रखना चाहते हो दोस्तों आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। देन गाइस इसमें आपको आउटलाइन लगाना होगा ताकि बढ़िया लगे। उसके लिए दोस्तों आपको इस पर आउटलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और कुछ इस प्रकार से आउटलाइन आप लगा लीजिएगा। अगर दोस्तों शेडो लगाना चाहते हो इस वाले शेडो में आप क्लिक करके शेडो भी आप लगा सकते हो ऑन करके इसको, ठीक है। इस प्रकार से ऑन करके शेडो आप लगा लीजिएगा। देन गाइस आपको बैक करना होगा, और ग्लो पे भी फ्रेंड्स आप ग्लो आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से बैक कर लीजिएगा। अभी दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ पर वीडियो के एंड तक कर देना होगा। कर देने के बाद इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिएगा, और उस वाले डुप्लीकेट को दोस्तों पकड़ के कुछ इस प्रकार से इस जगह पे आप लाइएगा। लाने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और अभी दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना होगा बर्थडे बोल के कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ बर्थडे लिख लीजिएगा। देन गाइज इसको भी आपको सेम उसी तरह से आपको नीचे में आपको एक एक टेक्स्ट को आपको ले आना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है उसको मैंने कुछ इस प्रकार से लाइन बाय लाइन ले आया हूँ। अभी आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। ओके कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको छोटा कीजिएगा पहले, ठीक है। देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। तो गाइस इसको आपको पहले छोटा करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इस जगह पर इसको रख देनी होगी कुछ इस प्रकार से, आप रखिएगा इस जगह पर दोस्तों ले आइएगा। लाने के बाद दोस्तों इसका जो कलर है आपको यहाँ पर ग्रीन कलर सिलेक्शन कर लेना होगा। देन आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। ओके कर लेने के बाद दोस्तों लीजिए आपका जो स्टोरी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का स्टोरी आप बना सकते हो। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस बार शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बस अपना फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है।